वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। आज ही रेडी हो गया हूँ मैं, जाना है मैंने के भाई ने इंटरव्यू के लिए। सो 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ था, अभी 8:30 है, तो इंशाल्लाह मैं 10 बजे तक वहाँ इफ्टाबाद पहुँच जाऊँगा और इंटरव्यू देना है। और वही लोगों, बारिश भी है, मौसम देख सकते हैं आप लोग। ये पीछे देखे छोटा सा जहाज PIA की शेप में, ये हमारे घर के ऊपर बना हुआ है। सो तो मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, बहुत ठंड है और बारिश भी है, छोटी छोटी सी बारिश है। चले देन मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम में। इंटरव्यू देने के बाद समोसे खाने आ गया हूँ, बांग्लादेशी समोसा, इसका नाम है इफ्टाबाद में सप्लाई में। जब हम आलिश करने आते थे तो यहाँ पर समोसा खा के जाया करते थे रेगुलर। ये भाई हैं पहले इनकी सामने पीछे, अब यहाँ पे तो मैंने कहा समोसे खा के इनसे फिर घर जाऊँगा, घर वालों के लिए भी लेकर जाने हैं मैंने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। आलू वाला था, ये कीमा वाला स्पेशल है इनका और बहुत ही टेस्टी है। जो मैं खाऊंगा खाना है आपने तो यहाँ से आके ले लो। जी तो समोसे मैंने ले लिए घर वालों के लिए और अब वापस घर जाने लगे। बहुत बारिश है, इंटरव्यू अच्छा हुआ है मेरा, मैं आपको क्या क्या पूछा। तो अब मुझे जाना ही है। जी तो मैं पहुँचाया हूँ वापस घर को। जनरल से क्वेश्चन किए उसने मुझे, आपने क्या किया, मैंने कहा मैंने ये कुछ किया, MBA किया मैंने। तो फिर मुझे कह रहा था कि चलें जी अगर हम आपको अपॉइंट करते हैं तो आपको एक एक वीक वहाँ पे रहना होगा। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इससे पहले भी घर से बाहर रहे तो इतना इशू तो नहीं है हमें रहने में। उसके बाद जब बात हुई तो फिर सब कुछ जनरल से क्वेश्चन पूछे गए मुझसे, और जनरल से क्वेश्चन के पूछने के बाद ये हुआ कि मुझे कहा चला ठीक है हम आपको 2 दिन बाद कॉल करेंगे, तो आपकी ट्रेनिंग होगी मानसरा में 1 वीक की, फिर आपको वहाँ पे फुल ट्रेन किया जाएगा, काम सिखाया जाएगा 1 वीक में कि ब्रांच में क्या क्या काम करना है आपने CSO का। देन उसके बाद उन्होंने मुझे यह बोला कि भाई
फिर एक वीक के बाद आपका NTS का टेस्ट होगा। मैंने कहा यार वाह अरे वाह, टेस्ट इंटरव्यू पहले और फिर इसके बाद दोबारा NTS टेस्ट। और फिर उन्होंने मुझे कहा फिर आपको उसके बाद चार दिन के लिए इस्लामाबाद भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे आपको फुल डिटेल से समझाया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम जाने के लिए तैयार हैं, आप हमें जॉब दें और हम करेंगे, करना है भाई, क्योंकि MBA तो ख़त्म हो गया, अब चस्के ख़त्म हो गए हमारे, अब घर में ये भी नहीं बोल सकते आगे पढ़ना है, आगे PhD करनी है, अब जॉब ही करनी है, कुछ कमाना है, कुछ बनना है हमने भी, तो बस यही हुआ। और मौसम बड़ा सर्द है भाई लोगों, चले मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ा टाइम में, लेकिन दिल नहीं कर रहा वीडियो बंद करने को, मैंने कहा व्यू देख रहे हैं आप ना, प्यारा प्यारा मौसम है, कितना प्यारा प्यारा मौसम है, बादल चेक करें, बादल चेक करें, बादल वो सही है, सही था, सख वाला को तो उसके बाद मैं आ गया अदील भाई के साथ। अदील भाई को भूख लगी हुई थी रास्ते में, उन्होंने मुझे कहते खाना खा तो घर जाना है, तो अदील भाई को भूख लगी हुई, अदील भाई खाना खाना रोशते नहीं जा रहे, खाना खाएंगे, खाने के बाद हम लोग नमाज पढ़ेंगे, देर हम लोग वापस घर जाने वाले हैं। भाइयों मैंने अदील भाई के साथ खाना खा लिया, चावल थे मज़े के नहीं थे। अदील भाई को मैंने बोला भी था इस होटल में अच्छा खाना नहीं मिलता, नहीं जाते, उन्होंने कहा नहीं भैया जाएंगे तो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो तुम खा लो। फिर खाता है, फिर मुझे बोलता है यार मज़े के नहीं है, अभी हमने पी है दूध पत्ती चाय। और इसी के साथ हम करते हैं यहाँ पर व्लॉग, इट्स व्लॉग व्लॉग ख़त्म। और अदील भैया आ चुके हैं, ख़त्म करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है, लेकिन तब कब के लिए ज़ाहिर को इजाज़त दीजिए, कैमरामैन ज़ाहिर के साथ।